एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर साबित कर दिया कि वो बेस्ट है। स्मृति मंधाना ने 45 गेंदों में 46 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना टीम की जीत से खुश नजर आई। भारतीय टीम की इस जीत पर और आगामी पुरुषों के क्रिकेट विश्व कप को लेकर उनकी क्या राय है, इस पर खास बात की है चीन के हांगजू में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने उनके साथ। आइए देखते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हौसले बुलंद हैं क्योंकि टीम ने श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। उस वक्त हमारे साथ स्मृति मंधाना मौजूद है। स्मृति, कैसे देखती हैं टीम की इस कामयाबी को? वेल, आई थिंक बहुत अच्छा एफर्ट था। स्पेशली आई थिंक चाइना में आके जब पता नहीं था कि विकेट्स कैसे मिलेंगे, कंडीशंस कैसे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्रिकेट खेला नहीं जाता। और आई थिंक प्रीटी स्पेशल कि हम लोग इंडिया के मेडल टैली को कंट्रीब्यूट कर पाए। आई थिंक वही हमारा एम था जब हम निकले थे चाइना के लिए। और बहुत आई थिंक पूरा टीम एफर्ट था, सब लोगों ने अपने अपने रोल बहुत अच्छे से निभाए। एंड आई थिंक दिस इज ब्रिलियंट फॉर वुमेन्स क्रिकेट। जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है पूरे इस टूर्नामेंट में टीम का, हालांकि क्वार्टर फाइनल से स्टार्ट हुआ, लेकिन किस तरह से देखती हैं उस टीम के परफॉर्मेंस को और कितना एक एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर गया है एशियन गेम्स का जो पार्टिसिपेशन रहा है? या आई थिंक फर्स्ट मैच से आई थिंक डेफिनेटली वो वॉश आउट हो गई थी, बट वी स्टिल गॉट 175 इन 15 ओवर में। एंड बांग्लादेश को जिस तरह से आई थिंक हमने 51 ऑल आउट करा और इजी चेस कर लिया, आई थिंक वो मोमेंटम स्टार्ट हुआ। डेफिनेटली आज हमारा यही एम था कि यू नो वी प्ले प्रोफेशनल क्रिकेट विच इज वेरी वेरी गुड। एंड आई थिंक डेफिनेटली बांग्लादेश सीरीज थोड़ी टफ रही थी हमारे लिए, वन डेज हमारा ड्रॉ हो गया था, जो विच वी वेर रियली हार्ड ऑन आवरसेल्व्स। तो इधर आए थे जब हमारा एक मिशन था कि यू नो वी हैव टू विन मैचेस, नॉट ओनली विनिंग मैचेस, आई थिंक कन्विंसिंगली विन करना था। और आई थिंक लास्ट तीनों मैचेस हम लोग काफी कन्विंसिंगली अच्छा क्रिकेट खेल के हम लोग जीते। कुछ ही समय के बाद क्रिकेट मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसको लेकर के क्योंकि फेवरेटिज्म जाहिर तौर पर भारत होगा, लेकिन फिर भी एज अ क्रिकेटर आपको क्या लगता है कि इस बार की चुनौती जो है वो कितनी टफ है? वेल, आई थिंक होम वर्ल्ड कप काफी स्पेशल होता है डेफिनेटली। मैंने एक खेला हुआ है बहुत साल पहले, बट उसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। बट बढ़िया, आई थिंक होम वर्ल्ड कप प्रेशर और यू नो सब चीजें आई थिंक लेके आता है। पर आई थिंक जिस तरह से इंडियन टीम खेल रही है एशिया कप में, उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस करा और अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी आई थिंक काफी अच्छा लग रहा है। सब लोग फॉर्म में लग रहे हैं, राइट टाइम टू पीक हुआ है। और होपफुली यू नो हमारा तो ऑफकोर्स सपोर्ट इंडिया के लिए होगा। एंड होपफुली यू नो पहला आई थिंक एज अ क्रिकेटर हम पहली सोच रहती है कि सेमीफाइनल तक पहुंचे, एंड उसके बाद आई थिंक इट्स वन गेम ऑन अ टाइम। सो डेफिनेटली फर्स्ट थिंग जो हम लोग आई थिंक क्रिकेटर एम करते हैं, आई एम श्योर दे वो भी करेंगे कि पहले सेमीफाइनल्स तक पहुंचे। आखिरी सवाल, जिस तरह से देश में खेलों को लेकर के बढ़ावा दिया जा रहा है उसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि मेडल्स की जो है वो झड़ियां लग रही हैं, तो आप कैसे देखते हैं पिछले 9 साल के दरमियान कितना चेंज आया है खेलों में? आई थिंक काफी चेंज आया, क्योंकि आई थिंक 9 साल पहले मोस्टली मेन्स क्रिकेट की बात होती थी ज्यादा, यू नो मतलब विच इज गुड ऑल्सो, विच इज नॉट बैड, बट यू नो दूसरे खेलों का उतना, इवन वुमेन्स क्रिकेट उतना यू नो उसकी बात नहीं होती थी। तो अभी आई थिंक लास्ट स्पेशली 6 से 7 साल से वुमेन्स क्रिकेट भी काफी अच्छा हुआ है, और दूसरे खेलों में आई थिंक ओलंपिक्स में इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। एंड इतने सारे आई थिंक सारे एटलीस्ट हाउस होल्ड नेम्स हो गए अभी, विच इज आई थिंक वो बहुत मोटिवेट करता है जब कोई यंग लड़का और लड़की अगर टीवी देख रहे और यू नो मेडल्स जीत रहे इंडिया, आई थिंक वो काफी मोटिवेट करता है कि यू नो नीरज चोपड़ा जैसे जैवलिन फेंके या सिंधु जैसे बैडमिंटन खेले। सो आई थिंक डेफिनेटली लास्ट 9 ईयर्स में काफी अच्छा रहा है आई थिंक ओवरऑल स्पोर्ट्स के लिए इंडिया में। पार्टिसिपेशन को कैसे देखती है पूरे खेल में? आई थिंक काफी बढ़िया है, क्योंकि जितना हम सुनते आते हैं जैसे ओलंपिक्स हम लोग ऑफकोर्स हम लोग पार्ट नहीं रहते लेते हैं, होपफुली वो चेंज हो सकता है। बट आई थिंक जिस तरह से इतने सारे हाउस होल्ड नेम है, मीरा भाई चानू, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, यू नो आप लाइक यू कैन जस्ट कीप टॉकिंग अबाउट देम। आई थिंक ये 4-5 साल पहले आई थिंक इतने नाम बाहर नहीं थे, बट आई थिंक जस्ट द वे विमेन्स स्पोर्ट अभी इंडिया में डेवलप हो रहा है और जिस तरह से सबका सपोर्ट मिल रहा है ऑडियंस का, आई थिंक दैट इज वन थिंग विच इज केप्ट इट गोइंग। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है स्मृति मंधाना जो कि अपनी टीम की जीत से भी उत्साहित हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी मान रही हैं कि खेलों के क्षेत्र में भारतीय महिलाएं जो हैं वो लगातार अपना दमखम जो है वो दिखा रही हैं और पिछले 9 साल के दरमियान इसमें एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिला है। कैमरामैन आशीष महोरिया के साथ मैं गौरव कुमार, DD News, हांगजू। और अब खबर दलाल स्ट्रीट से। सप्ताह के